सूर्यावा बाईपास रोड पुरानी पेट्रोल पंप के पास शिव अस्पताल में डॉक्टरों और आशा कार्यकर्ता पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगे हैं। 2 अक्टूबर 2022 को गांव का एक व्यक्ति अपनी गर्भवती पत्नी को डिलीवरी के लिए शिव अस्पताल में भर्ती करवाने लाया था। उस समय उससे 30,000 रुपये जमा करवा लिए गए, लेकिन इलाज में लापरवाही के चलते माँ और बच्चे की मौत हुई। तो उसके बाद महिला के पति ने डॉक्टर और आशा कार्यकर्ता पर इलाज में लापरवाही करने के आरोप लगाए हैं। आप लोग कोतवाली सूर्याओं पहुँचे हैं। मामला यह है कि प्रमोद शर्मा की लड़की जो प्रेग्नेंट थी, उसके बाद उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, ऑपरेशन से लड़का पैदा हुआ था। लड़का पैदा होने के बाद उनके पास 10 पॉइंट ब्लड था, जिसमें 10 पॉइंट ब्लड था। ब्लड के बाद उन्होंने जो गलत तरीके से ऑपरेशन किया था, ब्लड जिसमें रुक नहीं पाया, ब्लड सारी ब्लड बह गया। बच्चे की भी तबीयत ज़्यादा सीरियस होने के कारण शकुंतला हॉस्पिटल हड़िया के लिए रेफर कर दिया गया, और इसके बाद लड़की को जीवनदीप हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया, जहाँ पर लड़की की मृत्यु हो गई। और लड़के का भी शकुंतला हॉस्पिटल में 5 दिन बाद मृत्यु हो गया था। और हॉस्पिटल का जो फर्जी दस्तावेज बनवा करके और अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं। सूर्याओं में आए दिन हॉस्पिटलों पर घटना घट रही है, इसमें उच्च अधिकारी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। 24 CMO साहब से हमारी बात हुई है, 24 घंटे के अंदर तत्काल प्रभाव से अगर कार्रवाई और हॉस्पिटल को सीज नहीं किया गया तो मैं 24 घंटे के बाद मैं उस हॉस्पिटल पे ताला लगवाऊंगा, और इसके बाद चक्का जाम और धरना प्रदर्शन। किस हॉस्पिटल का मामला है ये? शिव हॉस्पिटल बाईपास सूर्यावा है, पेट्रोल पंप के बगल में। पीड़ित के परिवार वाले कौन है? पीड़ित के परिवार के पिताजी हैं, प्रमोद शर्मा। क्या नाम है आपका? प्रमोद शर्मा जी। आपकी बेटी थी? हमारी बेटी। क्या नाम था उनका? दीपा जी। तो कब हुई ये घटना? 2 तारीख। अच्छा, 2 तारीख को घटना हुई। हाँ। तो इतने दिन बाद आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? दौड़ रहे थे, वो हॉस्पिटल में बच्चे थे, देखभाल 4-5 दिन लग गया। अच्छा, तीन चार दिन आई। शासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं ऐसे डॉक्टरों के जो कि फर्जी ढंग से संचालित कर रहे हैं हॉस्पिटल? कार्रवाई होना चाहिए जहाँ तक हो सके, न्याय मिलना चाहिए। किसी भी हालत में जितने भी हॉस्पिटल फर्जी तरीके से चला रहे हैं उसे तत्काल बंद होगा। न्याय नहीं मिला 24 घंटे के बाद, फिर यहाँ देखिए क्या क्या तांडव होगा। हम लोग काम करता हूँ, उसके आत्मा को शांति किसी तरह होना चाहिए।